जी आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट एप्पल। ठीक है, न्यू खबर निकल कर आई कि एप्पल अपनी कुछ प्रोडक्शन चाइना से वियतनाम लेकर जा रहा है। ठीक है, तो इस पर कंप्लीट बात करेंगे। आप वीडियो कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो सके इस वीडियो की। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें इसी किस्म की न्यूज़ और एप्पल से रिलेटेड लीक एंड रूमर्स देखने के लिए। ठीक है, हर किस्म के एप्पल की न्यूज़ और मैं लीक एंड रूमर्स डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल इज शिफ्टिंग सम आईपैड प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना टू वियतनाम। ठीक है, चाइना से उठाकर वियतनाम में लेकर जा रहा है एप्पल। ठीक है, और यहाँ पर ये 2021 से कोशिश कर रहे हैं बट कुछ कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर रुक जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी 2021 से ये कोशिश कर रहे हैं बट इस दफा चाइना की लॉकडाउन की वजह से इस दफा इन्हें मजबूत कदम उठाने पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि अब 100% ये चाइना पे डिपेंड नहीं रह सकते। डजंट मैटर आईपैड हो, आईफोन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। और ये आईपैड की यहाँ पर खबर आई, आईपैड की। ठीक है, तो आईपैड आईफोन के बाद एप्पल की दूसरी सबसे ज्यादा चलने वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, आईफोन सबसे ज्यादा चलता है, आईपैड उसके बाद सबसे ज्यादा चलता है, देन तीसरे नंबर पे इनका लैपटॉप आता है, वो है मैकबुक। ठीक है, तो वो तीसरी प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा चलता है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दूसरी चीज़ आपको दिखाऊँ यहाँ पर। ठीक है, ये आईपैड, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो चाइना के मैन्युफैक्चरर है ना, यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने इनकी मदद की है वियतनाम में प्लांट लगाने में। ठीक है, और मैं पिछली वीडियो से बताया कि एप्पल के जो सीईओ है वो गए थे वियतनाम, उन्होंने कई बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है वियतनाम में। ठीक है, इनकी मतलब क्या होती हैं फैक्ट्रियां खोलने के लिए और अलग अलग चीज़ें। ठीक है, सारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होगी। ठीक है, बट अभी असेंबलिंग हो रही, नॉट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। ठीक है, अभी जस्ट असेंबल करेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, चाइना वियतनाम में, और इनमें बस इनके पास कॉम्पोनेंट पड़े हुए थे तो चाइनीज लॉकडाउन की वजह से ले जाने में मुश्किल हो रही हैं, बट जब चाइनीज लॉकडाउन खत्म होगा तो ये आराम से ले जा सकेंगे, वहां पर कंपोनेंट असेंबल कर सकेंगे वहां पर ले जाकर। ठीक है, बट इन्होंने $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है एप्पल वालों ने वियतनाम में, के ये अपने फ्यूचर आईफोन, आईपैड और अपने एयरपोर्ट जो इनके एयरबड्स मतलब हैंड फ्री होती है वायरलेस। ठीक है, वो आईमैक जो अपनी कंप्लीट प्रोडक्शन है वो चाइना से उठाकर आधी चाइना में और आधी यहाँ पर रखे ताकि ये 100% चाइना पर रिलायबल ना हो। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में डिमांड बढ़ रही है, आईफोन की बहुत ज़्यादा डिमांड है बट आईफोन इतना ज़्यादा मार्केट में है नहीं। ठीक है, अभी आप देखेंगे आईफोन आएगा और बस सेल हो जाएगा मिनट में। ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, पाकिस्तानी मार्केट हो, एशिया, डजंट मैटर कौन सी मार्केट हो, वो बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है ना, बस प्रोडक्ट होते हैं जैसे आईफोन SE हो गया या फिर आईफोन 13 मिनी हो गया, तो इनको कोई नहीं मुंह लगाता है इस किस्म के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो अब एप्पल एक तरफ आईफोन 13 और आईफोन SE जैसे फेल प्रोडक्ट भी बना रहा है, दूसरी तरफ एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स जैसा हिट मोबाइल भी बना रहा है। ठीक है, या फिर 14 प्रो मैक्स जैसा जो भी फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, तो इसी किस्म की लेटेस्ट लीक एंड र्यूमर्स रिलेटेड देखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल सब्सक्राइब करने का तरीका कार नहीं आता तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं, ये है हमारा चैनल। ठीक है, यहाँ पर साइड में यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करें, साइड पर बेल आइकॉन आ जाएगा उस पर भी क्लिक करें। देखें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है सबसे ऊपर ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं। लगभग 350 से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं, लगभग 5 साल पुराना मेरा चैनल है। इस दफ़ा दिसंबर में 5 साल हो जाएंगे मेरे चैनल को। ठीक है, तो 5 साल पुराना मेरा चैनल है यहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर तो देख सकते हैं मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस है। लगभग 2015 से एक्सपीरियंस है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा शौक है इस किस्म की टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस का, तो इस वजह से बनाता हूँ मैं। ठीक है, चैनल जरूर सब्सक्राइब।